नमस्कार। गुजरात में इसी साल यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन गुजरात को लेकर सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं? आखिर सट्टा बाजार के हिसाब से गुजरात में किसकी यहाँ पर लहर दिखाई दे रही है? ओपिनियन पोल के हिसाब से क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं? सट्टा बाजार के हिसाब से गुजरात में इस समय किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? क्योंकि 2017 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में जरूर है, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी, लेकिन गुजरात में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। बीजेपी ने 99 सीटें जबकि कांग्रेस ने 77, यहाँ पर बीटीपी ने 2 सीटें, एनसीपी ने 1 सीट, अदर के खाते में 3 सीटें गुजरात की गई। लेकिन इस बार यहाँ पर काफी उलटफेर हो सकता है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर पंजाब विधानसभा चुनाव में यहाँ पर अपना यहाँ पर परचम क्या लहरा पाएगी नहीं? क्या गुजरात में जिस कार से यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं? ये माना जा रहा है, कहीं ना कहीं अंदरूनी जो खबर है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। ऐसा होता है तो फिर क्या आंकड़ा यहाँ पर बन सकता है? गुजरात की 182 सीटों का ओपिनियन पोल के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है? बनासकांठा की यहाँ पर 9 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खुल रहा है, जबकि अन्य का खाता नहीं। जबकि कच्छ की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि मौसाणा की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी और इनका यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। पाटन की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा साबरकांठा की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अमरावली की यहाँ पर 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटों में से 2 सीटें जा सकती है। गांधीनगर की यहाँ पर 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जा सकती है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। जबकि अहमदाबाद की 20 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 10 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 9 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट जा सकती है। त्रयनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी का यहाँ भी खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। मोरबी की यहाँ पर 3 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। राजकोट की 8 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, आन या फिर आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खुल सकता है। जामनगर की 5 सीटों में से अगर बात की जाए बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जा सकती है। देवभूमि द्वारका की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। पोरबंदर की 2 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। बोटाद की 2 सीटों में से बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिल सकती है। जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें आ सकती हैं। अमरेली की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल ने लगाया। इसके अलावा भावनगर की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटें जा सकती है। आनंद की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट पर, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी अन्य का यहाँ भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। खेड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, 1 सीट अन्य के पास में जा सकती है। महसागर की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। पंचमहल की 5 सीटों में से अगर बात की जाए बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर भी 2 सीटें जा सकती है। बौलडांग की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटें जा सकती है। छोटे उदयपुर की 2 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में 1-1 सीट यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। जबकि नर्मदा की 2 सीटों में से 1-1 सीट बीजेपी कांग्रेस में यहाँ पर बढ़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। जबकि यहाँ पर नक्सारी के 4 सीटों में बात की जाए बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पर भी 2-2 सीटों पर बंटवारा होता नजर आ रहा है। यानी बात की जाए गुजरात की कुल यहाँ पर 182 सीटों में से जो सत्ता बाजार के आंकड़े चुनावी विश्लेषण ने कर रहा है उस हिसाब से बीजेपी 90 सीट, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 81 सीटें, आम आदमी पार्टी 3 और अन्य के पक्ष में भी 3 सीटें यहाँ पर आ सकती हैं। तो ये कुछ न कुछ आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इस हिसाब से यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और गुजरात में यहाँ पर बहुमत के करीब दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी 99 से बढ़कर कुछ 100 का आंकड़ा पार कर पाएगी? गुजरात में आने वाले समय विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की 77 सीटें जो उनको 2017 में मिली थी, क्या वो सीटें और घटेंगी या फिर कांग्रेस यहाँ पर इजाफा करके यहाँ पर गुजरात में अपनी सरकार बनाएगी? आम आदमी पार्टी कितनी सीटें यहाँ पर हासिल कर पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस और अन्य यानी आम आदमी पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है और किसकी सरकार बनेगी? क्या यहाँ पर दोबारा से कमल यहाँ पर खिलेगा, जो कोई कहीं ना कहीं एक गुजरात काफी महत्वपूर्ण माना जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पर अमित शाह जी हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हैं, तो ऐसे में गुजरात एक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अपनी राय का विपक्ष जरूर किए। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।